हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए होम आइसोलेशन की गाइडलाइन में कुछ बदलाव किए हैं। केंद्र ने ऐसे हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए 17 दिन की होम आइसोलेशन की अवधि निर्धारित की है। मरीज को यदि 10 दिन तक बुखार नहीं आता है तो वो होम क्वारंटीन या सेल्फ आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक होम आइसोलेशन वाले मरीजों और उनकी देखभाल करने वाले सदस्य को ट्रिपल लेयर मास्क पहनना जरूरी है, साथ ही इसे हर 8 घंटे में चेंज करना होगा। मास्क गंदा होने की सिचुएशन में इसे बदलना जरूरी होगा। तो चलिए जानते हैं ऐसे मरीजों को और कौन से नियमों का पालन करना होगा। मरीज को अपने कमरे में ही रहना होगा। घर के बुजुर्गों या दिल की बीमारी वाले लोगों को मरीज के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। मरीज को पर्याप्त आराम करना चाहिए। संतुलित पौष्टिक आहार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी या जूस वगैरह लेना चाहिए। मरीज को खाना उसके कमरे में ही पहुंचाना ज़रूरी है। मरीज के साथ बैठ के खाना नहीं खाना बेहतर है। खाना बनाने से पहले और बाद में खाना खाने से पहले, शौचालय जाने के बाद और इसके अलावा समय समय पर हाथों को अच्छी तरह धोना ज़रूरी है। मरीज के कपड़े के साथ ही उसके तौलिए और चादर वगैरह अलग हो और उसके कांटेक्ट में आने से बचे। मरीज के बर्तन अलग हो तो बेहतर है। ग्लव्स या दस्ताने पहनकर साबुन या डिटर्जेंट से बर्तन साफ़ करें। ग्लव्स उतार कर हाथ साफ कर लें। देखभाल करने वाला सदस्य भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे। मरीज के कमरे में जाए तो ट्रिपल लेयर वाला मास्क पहनना बेहतर है। देखभाल करने वाले सदस्य को अपने चेहरे, नाक या मुंह को नहीं छूना चाहिए। मरीज के कांटेक्ट में आने पर हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। मरीज को डॉक्टर के निर्देशों और दवाओं की सलाह माननी होगी। अपनी सेहत को खुद मॉनिटर करें और हर दिन बॉडी टेम्परेचर को चेक करें। 10 दिन तक बुखार नहीं आने पर वो होम आइसोलेशन खत्म कर सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।